बारसोला थाना क्षेत्र के मुंगाड़ा में पुरानी रंजिश की वजह से दिनेश कुमार पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे व्यापारी बुरी तरह घायल हो गया। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को लिया हिरासत में। में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन लोगों पर नजर रखने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए ड्रोन से नजर रख रहा है। जनपद बिजनौर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में अब तक 16 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। जनपद में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 29 हो गई है। प्रशासन द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। शाहजहांपुर में जहां खेत के मेड़ के विवाद में सगे चचेरे भाइयों में हुई फायरिंग के बीच 8 साल की बच्ची के लगी गोली, आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला थाना सहरा मऊ दक्षिणी के ग्राम सिंगरहा का है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा लिखकर जांच में जुट गई है। रामपुर के थाना कोतवाली उतरौला अंतर्गत ग्राम सभा पटियाला में बीती रात 22 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर उप जिलाधिकारी व थाना अध्यक्ष अनिल कुमार मौके पर पहुंचकर सब लॉकडाउन का पालन कराने वाले कर रहे हैं लॉकडाउन का उल्लंघन। लॉकडाउन में ही मछली खाने के प्रयास में भूल गए लॉकडाउन का करना पालन और सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल मीडिया पर उधौली थाने के पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा में लोकसभा सांसद रंजीता कोहली ने श्री कृष्ण गौशाला में गायों के लिए चारा पहुंचाया। कोरोना महामारी को देखते हुए गायों को नहीं पहुंच पा रहा था चारा, सांसद ने चारा पहुंचाकर गायों को खिलाया। लूड़ी विधायक महेंद्र बिश्नोई द्वारा चलाई जा रही अनूठी मुहिम कोई भी जानवर नहीं रहेगा प्यासा। सतलाना गांव में जानवरों की खेलियों में ट्रैक्टर से डलवाया पानी, कांग्रेस कार्यकर्ता रवि ओझा व संपत राज गहलोत ने दिया सहयोग।